Students, today we will discuss the topic molarity. So just let us start with the meaning of the term molarity. So beta, molarity mein jo first three letter hain wo hain MOL. Clear to all of you? So molarity is simply the number of moles of solute. Solute ke moles, that is NB, present in 1 liter solution. एक लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल्स होंगे दीज आर सेट टू बी द मोलैरिटी. फॉर एग्जांपल इन 1 लीटर सॉल्यूशन सपोज देर आर 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स 2 हैं, देन द मोलैरिटी इज 2, कैपिटल एम. सिमिलरली अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में देर आर 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के 4 मोल्स हैं, देन वी कैन से द मोलैरिटी इज 4m. तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर है कि मोलैरिटी का जो सिंबल है वो कैपिटल M है. एंड एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ये आपको ध्यान रखना है. नाउ सी सम एग्जांपल्स. इफ आई गिव यू 0.01 कैपिटल M H2SO4 सॉल्यूशन, What does it means? यहां देखिए जो मोलैरिटी का वैल्यू है वो क्या है 0.01, और मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो वी कैन से 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन मींस 0.01 मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. लेट सी वन मोर एग्जांपल. इफ आई गिव यू 0.02 मोलर NaOH सॉल्यूशन, अब ये मैंने आपको दिया है, तो यहां पर देखिए मोलैरिटी का वैल्यू कितना है 0.02. सो वी कैन से 0.02 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो डेफिनेशन एक बार फिर से बताते हैं. इफ एनीबडी सेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी, यू विल से सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. Clear? Now let us see the formulas of molarity. The first formula for the molarity is number of moles of solute upon volume of solution. This is the first formula. और यहीं से हम units calculate करेंगे molarity की. तो units number of moles की unit क्या होती है MOL, और solution की volume liter में. So we will write mole per लीटर. सिंबल आपको पता है कैपिटल एम, सिंबल ऑफ मोलैरिटी कैपिटल एम. एंड बी क्लियर, मोलैरिटी कैन आल्सो बी रिटन एज, जैसे कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी मोल पर लीटर में लिखो, यू कैन आल्सो राइट इट एज मोलर, MOLAR, दैट यू हैव टू रिमाइंड. सो ये फॉर्मूला नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसी से बाकी फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, तो ध्यान से देखना है फॉर्मूला नंबर 1. अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 11th में किए थे उनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट अप करेंगे. और थोड़ा सा मैं रिवाइंड कराता हूँ कि मोल्स के जो फॉर्मूले हमने किए थे, मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस वी हैव डन. सेकेंड फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, फोर्थ इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूला यूनिट, एंड द लास्ट वन इज आयंस अपॉन टोटल आयंस. ये सारे फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स के थे. तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर मैं ये सारी चीज़ें पुट करूँ तो हमें कुछ और फॉर्मूले भी मिलेंगे, ठीक है? और वो सारे फॉर्मूले किसके होंगे, मोलैरिटी के. सो लेट अस चेक वन बाई वन. तो फर्स्ट हम पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की जगह मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज, सेकंड फॉर्मूला हो गया आपका ये. थर्ड वी विल पुट नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास ऑफ सॉल्यूट. ये ध्यान रखना ये मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के, तो डायरेक्टली बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो बी. बी किसका इंडिकेशन हो जाएगा, सॉल्यूट का. नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास अपॉन मोलर मास, सो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी आई विल राइट हियर
Mb is molar mass of solute. Clear? Into, अब ये volume of solution. चलिए अब थोड़ा सा आपको ध्यान कराते हैं. जो हम volume of solution है वो लीटर में लेके चलते हैं, बट यहाँ पर क्या है, जो आपका मास है वो ग्राम में है, मोलर मास भी ग्राम में है, तो मुझे वॉल्यूम जो यहाँ पर है वो किस में लेकर चलनी पड़ेगी, ml में. बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और यूनिट वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर में. सो हम फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करते हैं, वी विल डू, हम यहाँ पर 1000 कर देंगे. तो जो भी वॉल्यूम आपने यहाँ पर लिखी वो ऑटोमेटिकली 1000 से डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीटर में. बट आपको ध्यान क्या रखना है, अगर किसी फॉर्मूले में 1000 है तो वहाँ वॉल्यूम किस में जाएगी, ml में, अदरवाइज वॉल्यूम किस में जाएगी, लीटर में. यू हैव टू रिमाइंड इट. नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. कंफ्यूज नहीं होना, ये सॉल्यूट की वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? अब देखिए इस फॉर्मूले में 1000 नहीं है, तो इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में जाएगी, लीटर में, ये ध्यान रखना है. अब मोलर वॉल्यूम के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि मोलर वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे. गैसेस के लिए इट इज फिक्स्ड 22.4 लीटर एट एसटीपी. एसटीपी पे जब प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर. अगर प्रेशर एग्जामिनर कहता है 1 बार लेके चलना है, देन वॉल्यूम इज 22.7 लीटर गैसेस के लिए. गैसेस से अलग कोई है, नॉन गैसेस में मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी. ये आपको ध्यान रखना है. 11th का कंसेप्ट है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम. गैसेस के लिए फिक्स है, कोई भी गैस हो. नॉन गैसेस में इट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन डेंसिटी. जैसे अगर मैं बात करूं कि मोलर वॉल्यूम आपको वाटर लिक्विड का निकालना है, तो वाटर लिक्विड का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml. तो वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितनी आ गई, 18 ml. क्लियर टू ऑल ऑफ. और इसी की जगह अगर मैं कहूँ कि आपको मोलर वॉल्यूम निकालनी है वाटर गैस की, ठीक है ना, एट एसटीपी, तो आप क्या करोगे, 22.4 लीटर. और अगर मैं कहूँ कि 1 बार पे, तो आपको लेना है 22.7 लीटर. तो ये कंसेप्ट था वॉल्यूम के रिगार्डिंग. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम पुट कर सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला यूनिट. सो नेक्स्ट इज ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूला यूनिट, अगेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगेन लीटर में. नेक्स्ट इज आयंस ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स की जगह आयंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल आयंस. सो विल राइट आयंस अपॉन टोटल आयंस सॉल्यूट के इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो चलिए थोड़ा टोटल आयंस का भी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, जस्ट सी आउट टी आई टोटल आयंस. अगर NaCl के निकालने हैं तो 1Na1Cl मींस 1+1 2 इनटू एवोगाड्रो नंबर. सपोज AlCl3 के निकालने हैं तो 1 एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, टोटल 4 इनटू एवोगाड्रो नंबर. अगर BeCl2 के निकालने हैं तो 1Be2 क्लोरीन, टोटल 3 इनटू एवोगाड्रो नंबर. दिस इज द वे हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल आयंस. और इसी में अगर अलग अलग भी निकालने हो तो सोडियम अगर 1 है तो 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस. क्लोरीन भी सिंगल है तो 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस. 1+1 2 आ जाएगा. AlCl3 में एल्यूमिनियम सिंगल है, सो 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन. क्लोरीन के आगे 3 है, सो 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस. 3+1 4 आ गया. सिमिलरली BeCl2, बेरिलियम सिंगल है, सो 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ B2 पॉजिटिव आयंस. क्लोरीन के आगे 2 है, सो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस एंड 2+1 3. सो दिस इज द वे हाउ कैन यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस. तो ये तो हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हुए, ठीक है. अल्टीमेट फॉर्मूला जो लर्न करना है वो आपको पता है, फॉर्मूला नंबर 1. बाकी में ये काम हमने करा है. अब बिफोर वी गोइंग टू द फर्दर, चले इनको यहाँ नोट करते हैं मोलैरिटी के फॉर्मुलेस को, सो दैट न्यूमेरिकल में ईजी रहेगा. फर्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सेकेंड मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. थर्ड इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब 1000 है तो यहाँ वॉल्यूम किस में जाएगी, ml में, ध्यान रखना है. देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट.
into volume of solution, then gram molecule or gram formula unit upon volume of solution, and in the last हमने किया था ions upon TI, total ions of solute into volume of solution. अब before we going to the numerical part, आपको जो previous terms हैं उनके साथ भी molarity का relation पता होना चाहिए. Previous terms में देखिए, molarity is equal to percentage by mass into density into 10 upon NB. परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम के साथ परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी हट जाएगा इंटू 10 अपॉन एम बी. अगर ppm आपको दे रखा हो तो ppm इंटू डेंसिटी इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन एम बी. एम बी इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना. देन वन मोर फॉर्मूला ppm के बाद क्या था बेटा, जस्ट सी आउट मोलैरिटी ऐसे भी कर सकते हैं इस साइड. ppb पार्ट्स पर बिलियन अगर आपको गिवन है तो ppb इंटू डेंसिटी इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एम बी. और पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन गिवन है सो पीपीटी इंटू डेंसिटी 10 की पावर माइनस 9 अपॉन एम बी. एंड द लास्ट वन मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन एम बी. चलिए एक फॉर्मूला और मेरे को ध्यान है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. अगर आपको डेंसिटी दे रखी है देन हम कैसे कैलकुलेट करें. सो दिस इज सिंपली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट की डेंसिटी जो भी दे रखी है इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये जो मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बताए ये मोलैरिटी के, इसमें बेस फॉर्मूला ये हमने कैसे करे, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट अप करी और ये थे रिलेशन विद द प्रीवियस टर्म्स. सो बेटा मोलैरिटी का पहला क्या, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं. व्हेन यू रिपीट इट और राइट इट टू थीटा में आपको लर्न हो जाएंगे. मोलैरिटी के फॉर्मूले के लर्न करने का एक एडिशनल बेनिफिट क्या है कि जब आप आगे नॉर्मैलिटी करोगे तो इन्हीं फॉर्मूले को हम सिर्फ एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसके फॉर्मूले मिल जाएंगे, नॉर्मैलिटी के. सो ये थोड़ा सा मैंने लेआउट किया रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स. चलिए आगे चलने से पहले थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक है, एक दो डिस्कस करते हैं. इफेक्ट फिर न्यूमेरिकल करेंगे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी. So you know that molarity is inversely proportional to volume of solution. In all the formula कहीं पर भी देख लीजिए solution के inversely proportional है. तो जब आप temperature increase करोगे solution जो कि volume है वो increase होगी. All of you know liquid expand. Temperature increase करोगे liquid molecules की kinetic energy बढ़ेगी, वो दूर दूर जाएंगे, they will move far apart और volume increase होगी. तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज हुई, और जब सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो मोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीजेस. सो व्हाट विल आई राइट, मोलैरिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस इज द रीजन कि जो मोलैरिटी है इज नॉट प्रेफर्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज नहीं करते. चलिए आगे चलने से पहले कुछ कॉमन यू कैन से हमें स्टडी करना है, फ्रैक्शंस ऑफ मोलैरिटी ये भी बेटा आपको लर्न करने हैं. तो खाली m लिखा हुआ है इट मींस मोलैरिटी इज 1m, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज मोलर, क्लियर. नेक्स्ट इसमें देखिए इफ इट इज रिटन m बाई 2, तो m बाई 2 को हम क्या कहेंगे, इट इज सेमी मोलर. इफ द एग्जामिनर से सेमी मोलर तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, m बाई 2 m बाई 10 डेसी मोलर. इफ द एग्जामिनर से डेसी मोलर तो इट विल बी m बाई 10. सिमिलरली m बाई 100 दिस इज सेट टू बी सेंटी मोलर. और इसी कैटेगरी में लास्ट है m बाई 1000 दिस इज सेट टू बी मिली मोलर. तो ये मैंने आपको काफ़ी थोड़ा सा कंसेप्ट किया. अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं तो फॉर्मूले मैं रब नहीं कर रहा हूँ, हम इस पार्ट में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. क्योंकि फॉर्मूलेज दीज आर क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स, क्लियर. चलिए सो नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल वन बाई वन करते हैं हम न्यूमेरिकल्स को, विल डू इन दिस पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज द कैलकुलेट मोलैरिटी. हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है सभी केसेस में,
क्लियर. सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. टू मोल NaOH ए. टू मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन. अब देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है Nb. टू मोल्स गिवन है. सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर. सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमेशा लीटर और ml दोनों में लिखिए, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेज में हमें लीटर में रिक्वायरमेंट होती है और कुछ फॉर्मूलेज में ml में. तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला मोलैरिटी का. ऑल दीज आर द फॉर्मूलेज ऑफ मोलैरिटी. सो आई विल राइट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो 2/2 ऑन कैंसलेशन दिस कम्स आउट टू बी 1 mole per liter. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. क्लियर. नाउ बी. सेकेंड बी पार्ट इज 20 gram NaOH इन, और आई विल राइट हेयर बी पार्ट. ट्वेंटी ग्राम NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन. सो व्हाट इज गिवन टू यू 20 gram NaOH मीन्स बेटा सॉल्यूट का मास गिवन है 20 gram. सॉल्यूट का मोलर मास 40 gram. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml. ठीक है ना. चलिए अब मास अगर आपको गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. तो WB कितना है बेटा 20 अपॉन मोलर मास 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500. ये टू, 2 से 2 कैंसल, 1 mole per liter. सो दिस वी हैव डन द बी. नाउ द नेक्स्ट सी पार्ट. सो इन द सी पार्ट द क्वेश्चन इज 3.011 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर सॉल्यूशन. अब क्या गिवन है मॉलिक्यूल्स गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो मॉलिक्यूल्स के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो फॉर्मूला आई विल राइट मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब अंडरस्टूड है इस फॉर्मूले में वी डोंट हैव एनी थाउजेंड तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम किस में जाएगी लीटर में. तो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा 3.011 × 10³³ अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10³³ इंटू सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर. द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर. सो दिस इज 1, दिस इज 2. 1/4 0.25 mole per liter. सो सिंपल है. इन फॉर्मुलेस का बेनिफिट ही तब आता है जब आप इनको पुट करो. अदरवाइज काफ़ी लेंथी फॉर्मूले आते हैं भाई हमें मॉलिक्यूल से डायरेक्ट रिलेशन पता था तो हमने पुट करके क्या किया वी हैव कैलकुलेटेड द न्यूमेरिकल. नाउ डी पार्ट. डी. सो द डी पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर हैविंग द डेंसिटी 1 gram per ml. तो यहाँ पर हमें वाटर की डेंसिटी, तो वाटर यहाँ पे अब क्या मान के चलोगे सॉल्यूट मान के चलना पड़ेगा कि वाटर जो है वो एक हमारा सॉल्यूट है जिसका हमें सॉल्यूशन बनाना है. सॉल्यूशन भी किस में बनाओगे वाटर में बनाओगे आप. तो यहाँ पर टेक्निकली अगर आपको सिर्फ सॉल्यूट ही गिवन है तो डेंसिटी मोलैरिटी इज इक्वल टू. ध्यान रखिए कभी भी अगर एक पार्टिकल आपको दे रखा हो कि NaOH है आपका NaOH सॉल्यूशन है और सॉल्यूट की डेंसिटी दे रखी है, खाली NaOH बोल रखा है और डेंसिटी दे रखी है, तो आप उस पार्टिकल को क्या ट्रीट करोगे सॉल्यूट ट्रीट करोगे. यहाँ पर क्या गिवन है वाटर, भाई वाटर की निकालो मोलैरिटी, तो मैं वाटर को क्या ट्रीट करूँगा एज अ सॉल्यूट. और वाटर की डेंसिटी 1 gram per ml है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि 1 gram वाटर इज डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पर वाटर क्या ट्रीट हुआ सॉल्यूट ट्रीट हुआ. तो ये जो मेरा फॉर्मूला है दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन मोलर मास. ये डायरेक्ट है कब, जब सिर्फ आपको सब्सटेंस दे रखा हो और उसकी डेंसिटी दे रखी हो तब आप इसको यूज करोगे. तो डेंसिटी कितनी है 1 × 1000 upon molar mass 18. सो 1000 upon 18 दिस कम्स आउट टू बी 55.55
5 मोल पर लीटर. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डी पार्ट. नाउ पार्ट ई. सो व्हाट इज अ पार्ट ई? ई स्टैंड्स फॉर 10 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 10 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl इन 2 लीटर सॉल्यूशन. तो बेटा फॉर्मूला यूनिट गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर. तो वही मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट अपॉन एवोगैड्रो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नाउ फॉर्मूला यूनिट्स अपॉन 6.0 एवोगैड्रो नंबर आई राइट हियर, ओके, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो फॉर्मूला यूनिट 10 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022×10³ इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2. दिस कम्स आउट टू बी 2. सो अब देखिए, मैंने 11th में एक वैल्यू आपको बताई थी कि आई राइट हेयर कि 1 एवोगैड्रो नंबर दिस इज इक्वल टू 1.66×10⁻². ये हमेशा लर्न करनी है, तो यहीं से इसको आगे सॉल्व करेंगे. 1 एवोगैड्रो को मैं लिख देता हूँ दैट आई विल राइट 1.66×10⁻². ये मैंने नोट कर दिया इसको. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ नाउ अब इंटू 10^2. सो ध्यान से देखिए बेटा, 24 में से एक 10 अगर आप माइनस करोगे तो 10^ क्या रहेगी? -23 रहेगी पावर. अब इसको डिवाइड कीजिए सिंपल, 1.6 इसको 2 से करोगे तो 0.8, 2 8 16 एंड 2 3 6, 0.83 इंटू 10^-23. अब जब मैं डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करूँगा 8.3, तो 10^ जो आपकी -23 है इसको भी एक राइट में शिफ्ट कीजिए -24. डेसिमल यहाँ शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव पावर भी राइट में जाएगी. ध्यान करना, डेसिमल राइट तो नेगेटिव पावर भी राइट, मोल पर लीटर. ठीक है, चलिए. सो दिस वी हैव डन पार्ट ई. नाउ एफ पार्ट. सो आपने काफ़ी पार्ट्स देखे, देखा कि हमने कैसे कैसे इन टर्म्स को यूज़ किया. मेन थिंग इज फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. नाउ द एफ सेज NaCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.011×10⁻²³ आयंस इन 2 लीटर सॉल्यूशन. चलिए देखिए इसको. सो आपको आयंस गिवन है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू आयंस अपॉन टोटल आयंस. ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं. मोलैरिटी इज इक्वल टू आयंस अपॉन Ti, टोटल आयंस ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो आयंस गिवन है 3.011×10³. टोटल आयंस सोडियम प्लस क्लोरीन, टोटल 1+1 2 हो गया. सो 2×6.022×10³. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 into ठीक है. अब इंटू सॉल्यूशन की वॉल्यूम 2 लीटर, तो ये कट करके यहाँ पे 2 आ जाएगा, पावर से पावर कट. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 × 4 × 8 एंड दिस ऑन सॉल्विंग गिव्स यू 0.12 मोल पर लीटर NaCl सॉल्यूशन. सो दिस इज अबाउट द एफ पार्ट. नाउ जी, द जी पार्ट गिवन टू अस इज 20% NaOH सॉल्यूशन हैविंग द डेंसिटी 2 g/mL. अब देखिए बेटा, आपको परसेंटेज गिवन है और परसेंटेज आपको पता है, दीज आर द 3 types, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम. यहाँ पर यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, तो मैंने आपको बताया था इफ द यूनिट इज नॉट स्पेसिफाइड तो वो क्या होता है? परसेंटेज बाय मास. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10^mV. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10^mV. तो परसेंटेज बाय मास 20, डेंसिटी 2×10, मोलर मास NaOH का 23+16+1 = 40, 22 × 40 = 40 कैंसल. दिस कम्स आउट टू बी 10 मोल पर लीटर. जी इज 10 मोल पर लीटर. नाउ एच पार्ट.
will shift to the part H. Now what is a part H? He says 20% W by V NaOH solution. Yeah. So a percentage mass by volume है, तो formula क्या लगेगा? Molarity is equal to percentage mass by volume into 10 upon mb. तो directly put करते हैं 20% mass by volume into 10. मोलर मास NaOH का 40 है. 0 से 0 cancel. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 10 by 2, this comes out to be 5 mole per liter. H is 5 mole per liter. Now the next part, I part, just see out. In the I part, it is given 0.049 ppm NaOH solution. 0.049 ppm, little correction, it is H2SO4 solution, not NaOH. 0.04 ppm H2SO4 solution having density 2 gram per ml. So, अब क्या given है ppm? तो हम formula use करेंगे ppm, this one. Molarity is equal to ppm into density into 10 ki bar minus 3 upon mb. So molarity is equal to, I'll write ppm into density into 10 ki bar minus 3 upon mb. So beta ppm kitna hai? 0.049 into density 2 into 10 ki bar minus 3 upon H2SO4 ka molar mass, you know, 98. ठीक है, चलिए अब इसको कट करते हैं. पहले ये जो डिवीजन अगर आप इसको हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3. ये ऊपर जाके 10 की पावर माइनस में चला जाएगा, तो यहीं पर लिख ले इनटू 10 की पावर माइनस 3, डेसिमल हट गया. तो ये 1 और ये 2, 2 से 2 कैंसिल. सो दिस आई पार्ट, इट कम्स आउट टू बी नाउ 1 इनटू 10 की पावर माइनस 3 एंड माइनस 3 माइनस 6 मोल पर लीटर. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस आई पार्ट. नाउ जे, व्हाट इज द जे पार्ट? जे पार्ट सेज 0.040 पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 2 ग्राम पर ml. सो बेटा व्हाट इज गिवन पीपीबी? तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. मोलैरिटी इज इक्वल टू पीपीबी इनटू डेंसिटी इनटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एमबी. चलिए पुट द वैल्यूज. पीपीबी 0.040, डेंसिटी 2, 10 की पावर माइनस 6 अपॉन NaOH का मोलर मास 40. चलिए अब इस डेसिमल को हटा के नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो 40 से 40 कैंसिल. सो 2 इंटू 10 की पावर, अब ये पावर जो है बेटा ऊपर जाके ये माइनस 6 है, ये भी ऊपर जाके माइनस 3 हो जाएगी. सो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर. जे पार्ट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर. नाउ द नेक्स्ट के, इन द के पार्ट इट इज गिवन 0.100 PPT parts per trillion calcium carbonate solution having the density 2 gram per ml. अब क्या given है? PPT parts per trillion. So I will use this formula. So molarity is equal to PPT into density into 10 की power minus 9 upon mb. Put the values. PPT 0.100 into density 2, 10 की पावर माइनस 9, मोलर मास ऑफ CaCO3 100, डेसिमल हटाइए 10 की पावर 3, कैंसल आउट. सो 2 इंटू 10 की पावर बेटा माइनस 9, 3 ऊपर जाके माइनस 3, माइनस 9 माइनस 3, सो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, सॉरी 12 मोल पर लीटर. क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट, जे के एंड एल, जस्ट सी आउट. The last and the important part, L. In the part L, what is given to us? 2 gram per liter NaOH solution.
अब आपको पता है जो ग्राम पर लीटर ये किसकी यूनिट है, इट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। मीन्स हमें क्या गिवन है, स्ट्रेंथ गिवन है, सो आई विल यूज द फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन एम पी। मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन एम बी। सो स्ट्रेंथ इज 2, मोलर मास ऑफ एन यू एच इज 40, दिस इज 1/20 एंड ऑल्सो सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 0.05 मोल पर लीटर। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, वी हैव कैलकुलेटेड द मोलैरिटी। अब जो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे बेटा उसमें हम मोलैरिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे अदर देन मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल हम नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मास, ग्राम मॉलिक्यूल्स, आइंस, दिस टाइप ऑफ। सो नाउ वील डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ही सेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 2 molar 10 liter solution। सो सी द सोल्यूशन कैसे करेंगे। आपको मोलैरिटी कितने गिवन है बेटा, द मोलैरिटी गिवन टू अस इज 2 molar, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 10 liter एंड वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एन बी। सो सिंपल है, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, हमें गिवन मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी का वो फॉर्मूला देखो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो मोलैरिटी गिवन 2, नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैलकुलेट करने हैं, वॉल्यूम 10 liter। सो नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 2 × 10, दिस कम्स आउट टू बी 20 moles H2SO4। क्लियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने मोल्स कैलकुलेट किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 इन 2 molar 5 liter solution। चलिए, सो बेटा हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ H2SO4 मींस सॉल्यूट का मास हमें कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी गिवन 2 molar, सॉल्यूशन की वॉल्यूम 5 liter। सो मोलैरिटी का वो फॉर्मूला देखिए जिसमें सॉल्यूट का मास आए। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB/MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी 2, WB बेटा कैलकुलेट करना है, H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम इंटू 1000। अब यहाँ पर क्योंकि 1000 है तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम ml में जाएगी, हमें गिवन 5 liter मींस उसका क्या बनाओगे 5000 ml, 5000 ये कैंसल आउट। सो यहां से WB इज नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 × 98 एंड इंटू 5, सो 2 × 5 = 10 × 98, तो ये कितना है बेटा, दिस इज 980 ग्राम। सो डायरेक्टली हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की एंड वी गॉट आर आंसर 980 ग्राम H2SO4। सो नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 नाउ, ही सेज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर इन 2 molar 5 liter solution। नाउ सी द सोल्यूशन, मोलैरिटी गिवन टू अस इज 2 molar, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 5 liter, हमें कैलकुलेट क्या करना है मॉलिक्यूल, सो NB नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी हैव टू कैलकुलेट। सो बेटा सी द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
आई राइट एन बी नहीं लिखेंगे बेटा, करेक्ट कीजिए, एन बी नंबर ऑफ मोल्स होता है, राइट डाउन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे मोलैरिटी का, दिस फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू, आई विल राइट मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी कितना गिवन है बेटा, टू। मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करने हैं अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10³³ इंटू 5 इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10³² इंटू 5। सो 2 5s are 10, 10 इंटू 6.022 × 10³² पावर में ऐड कीजिए 6.022 × 10²² मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट सी आउट। क्वेश्चन नंबर 5 ही सेज कैलकुलेट द आयंस ऑफ NaCl इन, कैलकुलेट द आयंस ऑफ NaCl इन 2 molar 5 liter सॉल्यूशन। सो बेटा व्हाट इज गिवन टू अस, मोलैरिटी इज 2 molar, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 liter और हमें आयंस कैलकुलेट करने हैं। तो वो फॉर्मूला देखिए जिसमें आयंस आएंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू आयंस अपॉन टोटल आयंस इनटू वीएस। आई विल राइट द फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू आयंस अपॉन टोटल आयंस, दोनों सॉल्यूट के हैं, इनटू वीएस। तो मोलैरिटी 2, आयंस कैलकुलेट करने हैं, टोटल आयंस NaCl के 1 + 1 = 2 × Avogadro number दैट इज 12.044 × 10³³। सो आई विल राइट 12.044 × 10³³ इंटू सॉल्यूशन की वॉल्यूम 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई विल गेट आयंस इक्वल टू 2 × 12.044 × 10³³ × 5। सो 5 2s are 10 × 12.044 × 10³³। सो बेटा इसमें ऐड कीजिए 12.044 × 10³² आयंस, दिस इज द वे। तो जो न्यूमेरिकल्स हमने किए उसमें सिंपली क्या था, पहले जो हमने करा इन द क्वेश्चन नंबर 1 हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मोलैरिटी देकर कोई भी और चीज़ कैलकुलेट करवा सकते थे जिसमें हमने किए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। हमने कैलकुलेट किया जैसे आयंस किया, सिमिलरली हम बेटा परसेंटेज बाई मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम भी, ppm भी, एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट इफ द मोलैरिटी इज गिवन। बट द मेन थिंग इज यू हैव टू लर्न द फॉर्मुलेज ऑफ द मोलैरिटी। अगर आपको मोलैरिटी के फॉर्मूले लर्न है देन इट इज़ क्वाइट क्लियर, आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। सो इन द लास्ट आई विल डिस्कस वन कंसेप्चुअल क्वेश्चन नाउ। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.1 mole NaOH एंड 0.1 M NaOH, इन दोनों में मीनिंग बताना है। तो ये तो बेटा MOL मीन्स सिंपल क्या है, 0.1 mole NaOH हो गया बस। बट यहाँ मोलैरिटी 0.1 है, सो आई विल से 0.1 mole NaOH प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन, दैट इज अ डिफरेंस। दोनों ने मुझे डाटा किसका दिया, मोल्स का, बट यहाँ पर सिर्फ मोल का डाटा और यहाँ पर सॉल्यूशन का डाटा कि 0.1 mole ऑफ NaOH कहाँ पर है, दीज आर इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट ये हमने कंप्लीट टॉपिक अपना किया, दैट इज़ द मोलैरिटी, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी करा जितनी पॉसिबल बन सकते हैं। न्यूमेरिकल्स काफ़ी बनेंगे, डजेंट मैटर, बट वो बेसिकली क्या होंगे,
आइदर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है या मोलैरिटी से अलग कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो सारा डिपेंड करेगा किस पे, फॉर्मुलेस पे। और फिर से बता रहा हूँ, अगर मोलैरिटी के फॉर्मुले लर्न कर लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है उसमें क्या है कि मोलैरिटी के फॉर्मुले को अगर मैं एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा देन डायरेक्टली आई विल गेट द फॉर्मुलेस फॉर द नॉर्मैलिटी। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक मोलैरिटी, दैट्स ऑल।